वेलकम टू स्टार्टअप क्लिनिक। मैं हूँ लक्ष्मी, आपकी कोच और मेंटर। आज हम ये वीडियो देख इन वीडियो में ये सीखेंगे कि सप्लीमेशन मास्क को कैसे प्रिंट करेंगे, उसमें से हमें कितना प्रॉफिट मिल रहा है और इस बिजनेस को स्टार्टअप करने के लिए कितना बजट लगेगा और इसको कैसे लगा सकते हो आपका बिजनेस स्टार्टअप। सो इसको हमें प्रिंट करके भी दिखाएंगे मास्क को कि इसको कैसे प्रिंट करना है और कितना अच्छा प्यारा सा डिज़ाइन हमें प्रिंट कर सकते हैं। सो इस प्रोसेस को आगे लेकर जाते हैं, हमारे कंपनी का जो सीनियर ट्रेनर है उसको बुलाएंगे, प्रशांत है हमारे कंपनी का सीनियर ट्रेनर। तो इस ये बता देगा आपको जो हमने क्या डिज़ाइन लिया था उसके लिए हमने किस मशीन को यूज़ करके प्रिंटिंग कर रहे हैं। ये देख सकते हो दोस्तों, ये एक डिज़ाइन है, एक अच्छा डिज़ाइन है कि इसको भी आप मास्क पे प्रिंट कर सकते हो। आज जो हम जो प्रिंटिंग करने वाले हैं एक मास्क प्रिंटिंग करने वाले हैं। ये देख सकते हो, कोई भी डिज़ाइनर मास्क इस पर प्रिंटिंग कर सकते हो। जो ये जो मास्क होता है टू लेयर्स का होता है, यानी कि एक फ्रंट में जो पॉलिस्टर लगा होता है और बैक साइड में कॉटन लगा होता है, जो सेफ्टी के लिए आपके लिए बेस्ट रहता है। तो हम लोग जो इसमें यूज़ करने वाले एक मशीन यूज़ करने वाले एक छोटा सेटअप यूज़ करने वाले एक है 5 इंच कॉम्बो मशीन, जिससे कि 10x12 का साइज होता है। अब जो हमारे जो अटैचमेंट्स होते हैं उसमें, जैसे कि 5 इंच कॉम्बो आपने देखा हो गिफ्ट आइटम के लिए ज़्यादा यूज़ होता है। अब किसी को बिजली से स्टार्ट करना है तो छोटा बिजली से स्टार्ट कर सकता है। तो आज जो हम जो करेंगे एक छोटा 5 इंच कॉम्बो मशीन में हम लोग ट्रांसफर करेंगे। मैं बता दूँ, इस मशीन से कम से 300 से 3000 प्रोडक्ट आप कर सकते हो, अलग अलग वैराइटीज़ के, अलग अलग फैब्रिक, अलग अलग जीन्स भी, लेगिंग्स, जो आपका मन करता हो वो आप इसमें कर सकते हो। तो आज जो हम जो देखेंगे, एक पेपर है, ये देख सकते हो डिज़ाइन है, ये जो पेपर है ये 99 सब्लिमेशन का है, डबल साइड कोटिंग पेपर होता है। इसमें जो अगर जो क्वालिटी की बात करोगे तो दोनों इंक और पेपर दोनों का 99 सब्लिमेशन का होना चाहिए, क्योंकि सेम टू सेम क्वालिटी आएगी। देख सकते हो जो क्वालिटी जो आती है, अलग अलग साइनिंग्स आता है, या तुम्हारा डिज़ाइन देख सकते हो, कलरिंग देख सकते हो, डिफरेंट कुछ भी चीज़ देख सकते हो। तो आज हम लोग प्रोसेसर स्टार्ट करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपने देखा था ना कि कौन से मशीन हम यूज़ करें, इसे यूरोपियन स्टैंडर्ड मशीनरी है, हेवी ड्यूटी मशीनरी है, वह 1 साल की वारंटी के साथ मशीन आएगा। जो हम कभी भी आप सोचिए एक बार मशीन को हम मतलब कोई भी घर का जो चीज़ अच्छे वाला चीज़ लेकर आ रहे, फ्रिज, एसी, टीवी, ऐसा, तो आप क्या देखोगे ऐसे ही है, क्योंकि आपको चलाना पड़ता है, वो हर रोज़ चलता है, इसलिए हम वारंटी है कि नहीं है, कौन सा कंपनी का बेटर है ये देखेंगे। बट सप्लीमेशन में हमें जो काम करने के लिए सोचते हैं उसमें क्यों हम वारंटी नहीं देखते हैं, जो भी मशीनें ले लेंगे उसमें काम हो जाएगा ये क्यों देखते हैं। सो आप ये देख सकते हैं कि ऐसे हमने एक सप्लीमेशन टेप या हीट रेजिस्टेंट टेप लेकर हम इसको मिक्स किया था, मतलब चापा था, इसको अटैच करके रखा था हमारे डिज़ाइन को मास्क के साथ, क्योंकि ये ऐसे अटैच करने से हमारा जो डिज़ाइन है मास्क को पकड़ के रखेगा। ये टेप जो है 200 डिग्री के अंदर भी जाके ऐसे कि ऐसा ही आएगा, जो बाहर का जो सेलुलर टेप होते हैं वो पिघल जाता है, सिल्वर नहीं कोई भी टेप ले लीजिए वो पिघल जाते हैं, उसमें ज़्यादा टाइम तक टिकते नहीं है। तो आप देख सकते हो प्रोसेस, आपको सेकंड या सो आप देख सकते हो ये दो टेक्नोलॉजीज के बीच में हमारा जो प्रोडक्ट है वो रख दिया था, और मैं जो टेम्परेचर है 200 डिग्री टेम्परेचर में है, और टाइमिंग हमने 60 सेकंड रखा था, मात्र 1 मिनट में हमारा जो काम है वो प्रिंटिंग हो रहा है। सो मशीन आपने देखा 5 अटैचमेंट्स के साथ आ रही है, और इसके साथ हमको जो चीज़ें चाहिए, तो एक तो प्रिंटर है जो मेरे पीछे देख सकते हो, एप्सन LX05 है, 6 कलर का प्रिंटर है। क्वालिटी के साथ जाना चाहते हो तो एप्सन LX05 में चाहिए, बट जो भी कोई प्रॉब्लम है इस उधर उधर करना है तो फिर एप्सन L130 4 कलर का प्रिंटर होता है, इसमें कुछ कलर्स मिसिंग हो जाता है। ओके, तो ये जो चीज़ें हैं इसके एक हो गया, इसके लिए जो प्रिंटर जो पेपर हमने यूज़ किया था वो है ड्यूअल कोटेड हाईली टेक्निशियन 99 सब्लिमेशन का पेपर है। इसको पेपर को पहले आपने प्रिंटिंग का डिज़ाइन दिखा दिया मैंने, उसके बाद आफ्टर प्रिंटिंग भी उसमें कितना ट्रांसफर हो रहा है, क्योंकि इस पेपर का हमें स्पेशलिटी यही देखना है क्योंकि कितना ट्रांसफर हो रही है। ये भी नॉर्मल थिंग नहीं है कि हमें ट्रांसफर कोई ना कोई पेपर ट्रांसफर कर देगा, नहीं है ना, इसके लिए सब्लिमेशन पेपर जो है वो स्पेशलाइज पेपर्स होते हैं जो ट्रांसफर करते हैं। इसमें क्वालिटीज अलग अलग आते हैं कि एक कुछ आधा ट्रांसफर करते हैं, कुछ 3/4 ट्रांसफर करते हैं, हमारा जो पेपर है कंप्लीट ट्रांसफर कर देगा। इसमें जो इंक यूज़ कर रहे हैं वाटर प्रूफ इंक है, सप्लीमेशन का 99 सप्लीमेशन वाला का वाटर प्रूफ इंक यूज़ करके हम प्रिंटिंग कर रहे हैं। आप ये बीप साउंड सुन रहे हैं ना, इसी बीप साउंड से हमें पता चल जाता है कि हमारा जो काम 1 मिनट में हो गया है। तो ये बीप साउंड के थ्रू हमें इंटीमेट कर देते हैं कि हम प्रिंटिंग कर दिया। अभी आप मास्क में ही लेकर जाओगे, एक मास्क बनाने में मात्र आपको 20 रुपये लगेगा। आप देख लीजिए डिज़ाइन को, इस डिज़ाइन में कुछ भी कलर नहीं है, पूरा का पूरा फेड हो गया, इसमें जो कलर है वो इसमें ट्रांसफर हो गया। देख लीजिए इसे डिज़ाइनर मास्क से अच्छा खासा, क्योंकि सब लोगों को डिफरेंट सोचते हैं, अलग अलग डिज़ाइन चाहिए होते हैं। सो आप डिज़ाइनर मास्क से अलग अलग से बना सकते हो, जो ट्रेंडी है वो आप देखो कि आज का ट्रेंड क्या चल रहा है,
उसके हिसाब से हमें चलना पड़ता है। तो आज का ट्रेंड में आप देख सकते हो कि इतना प्यारा सा ये डिजाइन है, इतना डिजाइनर मास्क है, आपको कहाँ मिलेगा। सो इस टाइप ऑफ मास्क आप अलग अलग से बहुत प्यारा सा, ये नहीं है कि बच्चों को भी आप अलग मास्क से बना सकते हो। इसमें आपको ये भी चीज़ है कि अंदर का जो मटेरियल है वो कॉटन है। इससे क्या होता है कि अंदर का आपको कॉटन मिक्स आ जाएगा, बाहर का जो है पॉलिस्टर है, इसलिए आपको ना क्या बोलते हैं इसको चेहरा को ना प्रॉब्लम आएगा, ना रैशेस है, या फिर ऐसे अगर दूसरे प्रोडक्ट है ऐसे कुछ आपको खराबी का चीज़ का हो ही नहीं सकता है। सो मैंने बताया था ना कि मास्क बनाने के लिए आपको जो टाइम लगेगा, सॉरी जो प्राइसिंग लगेगा वो 20 मिनट है। सो इस 20 मिनट में आपको ₹20 आपको लगेगा एक प्रिंटिंग करने में मेरा हेयर। उसके बाद आपको लगेगा जो प्राइसिंग आप सेल करोगे ₹50 में भी आप सेल करो। एक बार सोचिए कि वो ₹50 में भी आप सेल कर रहे हो, सो उसमें आपको ₹50 में भी सेल कर रहे हो तो आपको ₹30 का प्रॉफिट होता है। तो ऐसे ही आप 100 शॉप्स में इफ़ इट इज़ 10 का पीसेस का भी ऑर्डर आया हुआ है ना। सो मतलब 100 शॉप्स में 10 पीसेस का ऑर्डर है तो है एक मतलब उसमें एक 10 पीसेस में आपको 300। सो ऐसा 100 शॉप्स है तो आप मान के चलिए कि नियरली 30,000 या आपको 15,000 का प्रॉफिट होता है आपको मास्क बेचते। इस मशीन में यही नहीं है, और भी चीज़ें बना सकते हो, लाइक मग्स बना सकते हो, फ्लैट प्रेस मशीन से आप रॉ मटेरियल देख सकते हो, जो कुशंस है, जो मग्स है, जो कीचेंस है, ये सब कुछ, जो टाइल्स है, जो टी शर्ट्स है, ये सब कुछ भी आप बना सकते हो। ऐसा मतलब मास्क का ही करने की ज़रूरत नहीं है, मास्क के ऐड करते हुए इतना सारा प्रोडक्ट्स को प्रिंट कर सकते हो। क्योंकि आजकल का ट्रेंड ये चल रहा है कि आप इस स्टार्टअप को करने के लिए 50,000 मिनिमम बैलेंस आता है। सो आप देख लीजिए किसी को इंटरेस्टेड है बिजनेस को, क्योंकि इसमें प्रॉफिट ज़्यादा है, इसीलिए ज़्यादा लोगों को जानकारी नहीं है कि इस मशीन को लगाने के लिए सोचते हैं कि बड़ा बड़ा मशीन चाहिए, लेकिन नहीं है। आपने घर से भी स्टार्ट कर सकते हो, ये प्रॉब्लम है, आपकी शॉप है, कुछ सामान चल रहे हो उसी के थ्रू ऐड भी कर सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं है। ओके सो आज का वीडियो यहाँ तक खत्म हो रही है। सो नेक्स्ट वीडियो में फिर दोबारा दूसरे प्रोडक्ट के साथ हम फिर आएंगे आपके साथ मिलने के लिए। सो वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, एंड लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, ताकि बहुत लोगों को जा सके, पीपल को पता चले कि ऐसा मिशनरीज होता है और प्रिंटिंग होता है। सो टेक केयर, बाय।